राकेश है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। इस सावनी गांव के अंदर खनी इस जगह का नाम है, और ये पिछले साल से थोड़ी थोड़ी जगह जा रही थी। पिछले साल भी हमने कंपनी वालों को बुलाया था इधर, उन्होंने आए और फ़ोटो खींचे और चले गए। उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया था यहाँ पर। PDD डिपार्टमेंट भी आया था, ज़्यादा कोई काम तो किया नहीं है। थोड़ी सी इन्होंने सपोर्ट लगाई है टावर को, तो बाकी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने पीछे कोई दीवार नहीं दी थी इस रोड को, तो उनकी वजह से ये सारा जो नीचे लाइट स्लाइडिंग हो रही है उनकी वजह से हो रही है। और पीछे भी उन्होंने टनल के ऊपर भी टाट लगा के वो उसको टनल को रोक रहे हैं, उसके पीछे कोई दीवारें इन्होंने नहीं दी थी। तो सर जो अभी सिचुएशन है, तो लोग रात को घरों से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि रात को भी ये लगातार चली रही है, 3-4 दिन से लगातार स्लाइडिंग चल रही है, तो खौफ तो है सर। DC साहब से भी मिलने गए थे, उनसे तो मिलना हुआ नहीं, तो एडिशनल DC साहब से मिले थे, तो उन्होंने बोला हमारे पास रिपोर्ट आई है, तो ऊपर उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नहीं भेजा है यहाँ पर, कोई इंजीनियर वगैरह भेजे हैं अच्छे अच्छे और यहाँ पर गाँव वालों को बचाएँ। सर ज़मीन दसने का, तो ये जब से गैमन कंपनी ने जब से काम कर रही है, ये तकरीबन तब से ही धीरे धीरे दिस रहा था, लेकिन ये अभी जो ये थोड़ा 7-8 दिन का जो है ज़्यादा, इसमें जो दरारें जो भी पसी चल रही है 7-8 दिन से हुआ है। और ये रोड भी बना है सर इधर, जो पीछे जो बनाया लोकल में, इन्होंने भी 1.5 साल से पानी का कोई प्रबंध नहीं किया। मैं बोलते रहे इनको, इन्होंने सुना नहीं। आप तो हल इधर कर रहे हैं, लेकिन अब रहा ही कुछ नहीं है, तो क्या बचा है इसमें। यहाँ पे ये 220 का टावर है, उड़ी लाइन वाले हैं, ये उड़ी वाली लाइन है, चला गया, दूसरे भी क्रैक पड़ गए हैं, टावर पूरा डैमेज है। अगर ये टावर भी गिर गया तो थोड़ी सपोर्ट इस टावर की है, अगर ये टावर गया तो फिर तो पीछे मकान है हमारे, टोटल 5-6 मकान तो हमारे इस वक्त जद में आए हैं, इस पस्सी से तकरीबन 20-25-30 मीटर की दूरी पर बचे हैं। बाकी ऊपर बहुत बड़ा गाँव है सर, तो बाकी अगर हमारे वाले जा रहे हैं तो गांव भी कहां बचेगा सर। दीदी एक बार हम रामन DC ऑफिस में गए थे परसों चौथ, 2 दिन जाते रहे DC साहब से, तो मुलाकात हुई नहीं। तो ADC साहब ने बोला जी हां हमको रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन उनको देखने आना चाहिए था, वो यहां तक नहीं आए, देखना था। देखो आओ भाई कितना क्या गरीब कैसे मारे जा रहे हैं, किसी मकान है कुछ बीच में मकानों को भी क्रैक्स आ गए हैं, मगर अभी यह है कि थोड़ा अगर ये रोकथाम हो जाती तो हो सकता है ऊपर वाले की कुछ दया रहम हम पर आ जाए, तो हो सकता है रुक जाए। LG साहब मनोज सिंह से हम गुजारिश करते हैं सर कि हम ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको थोड़ा हिलाया जाए, इनको भेजा जाए, देखना गरीबों की सुनवाई की जाए, गरीब हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे। सर ये डंपिंग जो नीचे हो रही है, ये बहुत अनलीगल डंपिंग हो रही है, हमने DC साहब से भी बोलना था कि डंपिंग बंद करवाई जाए। डंपिंग बिलाशक लोगों ने दिया है, लेकिन उनकी कोई लिमिट होती है डालने की, अभी हो सकती है, लेकिन अभी नीचे जाऊंगा तो वहाँ भी दरारें पड़ने शुरू हो गई। सर यहाँ से 20-25 के बीच में घर सारे हैं, सबको खतरा है, एक नहीं कि हम 3-4 बंदों को खतरा है, पूरे मोहल्ले को खतरा है। पूरा चल पड़ा तो फिर कुछ नहीं रहेगा, भेजना चाहिए, देखना चाहिए कि ऊपर से इनको मकानों को सेफ्टी मिलनी चाहिए कुछ, बाद में आए तो सब आएंगे, फिर हाथ में कुछ रहेगा नहीं, सब चला जाएगा, फिर किस जाना है। घर से बाहर रात को बाहर को जाते हैं, जो लैंड स्लाइड हो रही है, जो सब गवर्नमेंट कंपनी वालों ने क्या किया कि नीचे हमें कोई सेफ्टी नहीं दी, अनलीगल कटिंग की है, हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं दी नीचे से, और ना ही उधर दीवारें वगैरह लगाई थी, इसकी वजह से ये चल रहा है नीचे के लिए, ये पूरा ही नीचे धस रहा है। सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए।